और पिछले कई वर्षों से हमने ऐसी सरकारों के कार्यकाल को देखा जहां किसी एक पार्टी की बहुमत नहीं थी, इसलिए एक बहुत सुनहरा अवसर था कि बीजेपी, जो उन्होंने बातें कही थी उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, कोई थामने वाला नहीं था। अगर वो चाहते तो उन्हीं बातों पर अमल करके उनको लागू किया जा सकता। अब उससे पहले बात रखी गई कि कितनी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा, और भाषण में उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख तक जो है प्रत्येक आदमी के खाते में आ सकता है अगर हम बाहर से जो काला धन लेके आए। तो बहुत आशावादी प्रचार था, हर एक वर्ग के आदमी को महसूस हो रहा था कि बस इन्हें एक मौका दे दो और मेरे जीवन में सरकारी योजनाओं का मुझे लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा प्रभाव होगा। अब आपको समय मिल गया, आपने इनको देख लिया, और मैं गौर कर रहा था, मैं देख रहा था कि उनके भाषण हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी की बात मैंने सुनी, आपने भी देखी होगी। मुझे एक चीज समझ में आई, जब वो ऐसे ऐसे करके ताली बजाते हैं तब झूठ बोलते हैं। ख्याल रखना जब भी ऐसे ऐसे करें ना वो मगरमच्छ की ढाल, तो कुछ ना कुछ उसमें लोचा है मालूम। और कितनी बार उदाहरण लोगे, बार बार किया है उन्होंने, लाल किले से बोले हैं, 2 साल में विकास पर्व मना रहे थे कि सरकार ने जैसे बहुत बड़ा काम किया, सहारनपुर में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि गन्ने का हमने 99.5% भुगतान करा दिया। अभी 19 जनवरी में इसी वर्ष उन्होंने कहा कि हमने देश में गरीब को सर पे छत हो उस बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा, हमने 1.25 करोड़ घर बनाए। और उसके कुछ ही दिन बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री कहते हैं कि हमने 1.53 करोड़ घर बना दिए। आप आप हिसाब लगा लो, 28 लाख घर 2 सप्ताह में तो बन नहीं सकते। उसके बाद अखबारों में भी आया है कि दोनों आंकड़े झूठे। नंगला फाटेला का उन्होंने गांव का नाम लिया था आगरा जिले में, मैंने तुरंत कहा अपने लोगों को जाके देखो क्या स्थिति है, दूर खेत में एक खंभा लगाया था और उसका नाम लेके गांव का उदाहरण, कितना सुनहरा उदाहरण दे रहे थे लाल किले से कि हमने सारे गांवों का विद्युतीकरण कर दिया। अभी जनवरी के महीने